हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। ओम गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक दंत संकट चौथ व्रत तिथि पूजा का शुभ मुहूर्त चंद्रोदय समय पूजा विधि व्रत कथा और साथ ही जानेंगे इस दिन इच्छा पूर्ति के लिए किए जाने वाले एक महा उपाय के बारे में। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी संकष्टी चतुर्थी होती है। प्राचीन कथाओं के अनुसार चतुर्थी के दिन गौरी पुत्र गणेश जी की पूजा की जाती है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि एक दंत संकष्टी कहलाती है। इस बार एक दंत संकष्टी चतुर्थी का व्रत 19 मई दिन गुरुवार को है। इस दिन व्रत कर विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा करने से सभी दुख दरिद्रता दूर होती है। तो आइए जानते हैं ज्येष्ठ मास की एक दंत संकष्टी चतुर्थी की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, उपाय, चंद्रोदय का समय और इसकी व्रत कथा के बारे में। आइए सबसे पहले जान लेते हैं संकष्टी चतुर्थी शुभ मुहूर्त के बारे में। एक दंत संकष्टी चतुर्थी व्रत तिथि होगी 19 मई गुरुवार को। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 18 मई को रात 11:36 पर। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 19 मई को रात 8:23 पर। संकष्टी चंद्रोदय का समय होगा 19 मई रात्रि 10:56 पर। आइए जान लेते हैं संकष्टी चतुर्थी पूजा विधि के बारे में। गणेश जी को बल, बुद्धि और विवेक के देवता माना गया है। वे अपने भक्तों को हर विघ्न बाधा और दुख से दूर रखते हैं। शास्त्रों में संकष्टी चतुर्थी का अर्थ है संकटों को हरने वाली चतुर्थी से ही है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद हाथ में जल, अक्षत और फूल लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सर्वप्रथम पूजा स्थल पर एक चौकी में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर विधिवत उनका पूजन करें। सभी पूजन सामग्री के साथ ही गणेश जी को 5 दुर्वा या दुर्वा की 21 गांठें इद दुर्वा दल ओम गंग गणपते नमः मंत्र के साथ उनके शीश पर अर्पित करें। इसके बाद लड्डुओं या तिल से बने मिष्ठान का भोग लगाएं। अंत में गणेश चालीसा का पाठ कर व्रत कथा सुनकर या पढ़कर आरती कर लें। रात में जब चंद्रमा उदय हो जाए तो शुभ मुहूर्त में जल में पुष्प डालकर अर्घ देकर उपवास पूरा करें। आइए जान लेते हैं एक दंत चतुर्थी पर किए जाने वाले उपाय के बारे में। मान्यता है कि सभी देवों में प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा से व्यक्ति के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। शास्त्रों के अनुसार एक दंत चतुर्थी के दिन लाल गुलाब या गुड़हल के फूल भगवान गणेश जी को अर्पण करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। चतुर्थी के दिन गणपति जी का पूजन कर उन्हें 5 या 7 सुपारी अर्पण करने से व्यक्ति को धन संपदा का वरदान मिलता है। चतुर्थी की पूजा में गणेश जी को सिंदूर का तिलक लगाकर वक्रतुंडायु मंत्र का रुद्राक्ष की माला से 108 बार जाप करें। इससे आपकी सभी समस्याओं का निवारण होता है। आइए जान लेते हैं गजानन और एक दंत की कथा। पौराणिक कथा अनुसार एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती जब अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे तो गणेश जी को उन्होंने द्वार पर बिठा दिया और गणेश जी से कहा कि किसी को भी अंदर न आने दें। तभी वहां पर परशुराम जी आए और भगवान शंकर से मिलने के लिए गणेश जी से कहा, लेकिन गणेश जी ने उन्हें अंदर आने से मना कर दिया। इस पर परशुराम जी को गणेश जी पर क्रोध आ गया और उन्होंने अपने फरसे से उनका एक दांत तोड़ दिया। तभी से गणेश जी एक दंत कहे जाने लगे।